आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन हिंदुस्तान का हर भैन का हर भरा के घर का तो त्यौहार है ही है, पर मेरी जिंदगी का जिहड़ा सब तो प्यारा दिन जिहदी मैं सारा साल उड़ीक करदी हाँ वह रक्षाबंधन है। और खासकर इसलिए कि अज तो 56 साल पहले, अज 57वां साल है, असी इत्थे 68 च रखड़ी बन्नी शुरू की थी और उदों शायद सारे देश से कोई 2-4 जगह ही सीमा तो रखड़ी बनी जाती सी। मैनू अज खुशी है कि साड़ी इस अटारी बॉर्डर से अटारी सीमा से अज दर्जनों लोग आके समाजिक संस्था अध्यापक आम लोग जवानों रखड़ी बनते हैं। और हमने जब शुरू किया था पहले BSF से किया था, 1970 में सेना का इसमें जुड़ गया, उसके बाद आतंकवाद के दिनों में CRP साथ जुड़ गई, ITBP जुड़ गई और KPS गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस जुड़ गई। ये सारिया फोर्सेज होमगार्ड समेत अभी रखड़ी बनी है। मैं लगता है 57 साल 57,000 तो वध सुरक्षाकर्मियों के हाथों से हड़ी रखड़ी जा चुकी है और दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान के हर हिस्से के जवान ने इतने रखड़ी बनवाई है। मेरा इक्को संदेश है कि हिंदुस्तान की बहनों की राखी, उनका प्रार्थना, उनका संकल्प जब हमारे जवानों के साथ चलता है तो हमारे जवानों का पाम जहां जाते हैं अंगद के पाम की तरह टिक जाता है। इनके फौलादी हाथ के आगे हमने 97,000-1,00,000 पाकिस्तानी बांग्लादेश में नाक रगड़ रगड़ के सामने हमने सरेंडर करवाए थे। हमने 65 जीता, 71 जीता, कारगिल जीता, जीता ही जीता हमेशा हमने इन सेनाओं के कारण, BSF के कारण। BSF से मेरा बड़ा खास रिश्ता है, 1965 में BSF बना और 1968 से हमारी राखी BSF के पास आ गई और BSF मेरे पास आ गए। मेरा सभी सुरक्षा बलों को जल थल नभ जहाँ भी वो बैठे हैं उनको प्रणाम है, उनको शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे इनका पाम अंगद के पाम की तरह हो जाए, इनका हाथ हनुमान जी की फौलादी गदा जैसा हो जाए और अर्जुन के तीरों जैसे इनके निशाने हो जाए और भारत माता की जय करते हुए हम किसी का देश नहीं लूटते। और जो हमारा देश लूटने आएगा वो फिर यहाँ रह जाएगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा, वो वापस अपने देश नहीं जा सकता। भारत माता की जय। बिल्कुल हर्षोल्लास का वातावरण है, ऊपर से त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। छावला मैम आई हैं, उन्होंने वो हर साल आती हैं, मैं पिछले कई सालों से उनको देख रहा हूँ और ये हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी को प्रदान करते हैं और सारे जवान उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं, सब उनको पहचानते हैं, सब उनको देख के इतने हर्षोल्लास का माहौल वो लेके आती है अपने साथ। कैसा त्यौहार है बहन भाई के जो प्यार का प्रतीक है जिनको माना जाता है रक्षाबंधन? मेरे हिसाब से सिर्फ बहन भाई नहीं, ये एक रक्षाबंधन अगर आप पीछे जाएं तो ये 1906 के टाइम पे जब 1906 से ये मनाया जा रहा है, उस टाइम रक्षाबंधन भाई बहन से सिर्फ सम्मिलित नहीं था, वो एक राष्ट्र प्रेम से भी सम्मिलित, एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है। भाई बहन तो हम मानते हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है, बट इससे ज़्यादा हम सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए जो ये शपथ लेते हैं, रक्षाबंधन उसका प्रतीक।